हेल्दी निधि में आपका स्वागत है, आपका चैनल जो आपको बताता है अच्छा खाना आसानी से कैसे बन सकता है। तो आज हम बनाने वाले हैं आलूदम। आलूदम बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं और जो आज मैं आपको तरीका बताऊंगी ये स्ट्रीट स्टाइल कलकत्ता की रेसिपी है। बनाने में बहुत ही आसान होती है। छोटे नए आलू लगते हैं और इसमें दो तीन तरह की पेस्ट लगती है और इसे मसाले देके बनाए जाते हैं। तो आइए बनाते हैं स्ट्रीट स्टाइल आलूदम, जो एक बहुत ही चटपटा नाश्ता है। इसे स्नैक्स की तरह खाया जाता है, कोई रोटी या चावल की दरकार नहीं होती। सबसे पहले एक पैन में 4 चम्मच सरसों के तेल को गरम कर ले। इस आलूदम में सरसों का तेल का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, मगर आप चाहें तो कोई भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमें इसमें डालना है जीरा, 2-3 छोटी इलायची, तेजपत्ता, और फिर हमें इसे डालकर इसमें अदरक लहसुन या जिंजर गार्लिक पेस्ट में 2 बड़े प्याज को कद्दूकस करके डालेंगे। अगर आप कद्दूकस नहीं करना चाहते हैं तो प्याज का पेस्ट भी डाल सकते हैं। ध्यान रखें, सारी चीज़ों को हमें मीडियम हीट में पकाना है ताकि यह पेस्ट धीरे धीरे पके। तेज आंच होने के कारण ये मसाले जल भी सकते हैं, तो कृपया थोड़ा सा पेशेंस रखें और इसे धीरे धीरे मिलाएं। फिर हमें थोड़ी सी करीब 1/2 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालना है। लाल मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। मसालों को अच्छे से मिलाएं और फिर हमें इसे उबाले हुए आलू डालने हैं। अगर छोटे आलू नहीं हैं तो आप बड़े आलू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखें मीडियम साइज़ के आलू को काट कर उबालना है। फिर हमें यह मसाले वाले आलू को कवर करना है और हीट को कम रखनी है। आलू दम का मतलब होता है आलू जो दम में पकता है, इसी कारण से हम इस आलू को कवर करके दम दे रहे हैं ताकि मसाले आलू को फ्लेवर दे सके और आलू दम का टेस्ट और भी बढ़ जाए। क्योंकि यह एक चटपटा चाट की तरह है, इसमें मैंने थोड़ा सा इसे स्पाइसी रखा है। आलूदम को जल्दबाजी में नहीं बनाया जा सकता। धीमी आंच में पके हुए आलूदम का स्वाद ही अलग होता है, इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखें और इस आलूदम को मिलाते रहें। आपका मन चाहे तो आप इसे खाने के एक दिन पहले भी बना सकते हैं। दूसरे दिन इसका टेस्ट इतना बढ़ जाता है कि आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये आलूदम आपने बनाए हैं। फिर आप इसमें 2 चम्मच इमली का पानी डालो, जो इसका मैजिक इंग्रेडिएंट है। इसमें टमाटर का यूज़ नहीं होता, और अच्छे से मिला लें। फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी डाली है, आपका मन चाहे तो इसे ना डालें। फिर धनिया पत्ता बुरक कर इसको थोड़ी देर कवर कर दें और फिर इसे सर्व करें। इस आलूदम की खास बात होती है कि यह एक चाट है और ये नाश्ते की तरह खाया जाता है। ना तो कोई रोटी चाहिए ना चावल, बस पूरी फैमिली मिलकर इस आलू को छीलते हैं साथ में और फिर इसे बनाते हैं। चाट की यही खूबसूरती होती है कि जब सब बनाएं और साथ में खाएं। खट्टा मीठा स्पाइसी यह चाट स्टाइल आलूदम आपको बहुत पसंद आएगा। बच्चों से बड़े सब इसे बड़े मज़े से खाते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम आपके लिए ऐसी ही हेल्दी रेसिपीज़ लाते रहेंगे। तो हो गया तैयार ये आपका स्ट्रीट स्टाइल आलूदम। ठंडा खाएं, गरम खाएं, दिन में खाएं, शाम को खाएं, जब मन चाहे तब खाएं। ये इतना टेस्टी है कि सबको बहुत पसंद आता है।